नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संत कान्हो पात्रा के बारे में जानने वाले हैं। संत कान्हो पात्रा 15वीं शताब्दी की वारकरी संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण महिला कवियत्री थी। संत कान्हो पात्रा का जीवन अन्य विट्ठल भक्त महिलाओं से बिल्कुल अलग था। कान्हो पात्रा का जन्म श्यामा नाम के एक बहुत धनी और संपन्न तवायफ के यहाँ हुआ था, जो पंढरपुर से कुछ दूर मंगलवेढ़ा गांव में रहती थी। कान्हो पात्रा एक रईस और शानदार माहौल में पली थी। उस घर में विट्ठल भक्ति की परंपरा का होना संभव ही नहीं था। हालांकि वे वेश्याओं के रास्ते की तरह भोग के मार्ग की ओर जाने के बजाय परोपकार के मार्ग की ओर मुड़ गई और प्रबल भक्ति के साथ भगवान से एकरूप बन गई। बेशक वह नहीं जानती थी कि उसका पिता कौन था, लेकिन श्यामा ने अनुमान लगाया कि ग्राम का प्रधान सदाशिव मालगुजर उसके पिता हो सकते हैं। एक बच्चे के रूप में उसके पैरों से बंधे घुंघरू लाड़ प्यार के लिए नहीं थे, बल्कि वेश्यावृत्ति के लिए आवश्यक नृत्य सीखने के लिए थे। उसके चारों ओर एक ऐसा माहौल था जहां वह अपने रूप और यौवन के बल पर लोगों से धन उगाही करना चाहता था। लेकिन कान्हो पात्रा के हृदय में भक्ति की उमड़ खिल चुकी थी। यद्यपि कान्हो पात्रा लावण्यवती थी, फिर भी समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। हालांकि श्यामा को लगा कि उनकी बेटी महल में रहने लायक है, श्यामा उसे शाही दरबार में ले जाने का फैसला करती है। इस पर कान्हो पात्रा ने कहा, मैं अपने से अधिक गुणवान और राजसी पुत्र को मेरे लिए चुनूंगी। अभी के लिए तो मुझे अपने लायक कोई आदमी नहीं दिखता। कान्हो पात्रा ने श्यामा के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। कान्हो पात्रा के पिता सदाशिव मालगुजर ने कान्हो पात्रा की सुंदरता के बारे में सुना और उसका नृत्य देखना चाहा, लेकिन कान्हो पात्रा ने उसे मना कर दिया। उसके बाद सदाशिव ने कान्हो पात्रा और श्यामा को परेशान करना शुरू कर दिया। श्यामा ने सदाशिव को समझाने की कोशिश की कि वह कान्हो पात्रा के पिता है और इसलिए उन्हें कान्हो पात्रा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सदाशिव ने उसकी बात नहीं मानी और उन दोनों को प्रताड़ित करना जारी रखा। श्यामा की संपत्ति धीरे धीरे कम हो गई। आखिरकार श्यामा ने सदाशिव से माफी मांगी और उसे कान्हो पात्रा को स्वाधीन करने के लिए तैयार किया। एक दिन कान्हो पात्रा के द्वार से वारकरियों की दिंडी ताल मृदुंग की धुन पर विट्ठल का स्तोत्र जपती हुई चल रही थी। कान्हो पात्रा ने वारकरियों से पूछा, आप किसके भजन कीर्तन में इतने मग्न हैं? वारकरी ने कान्हो पात्रा से कहा, हम वैकुंठ के राजा पंढरपुर के विट्ठल से मिलने जा रहे हैं। छायादार सुंदर विट्ठल के रूप का वर्णन सुनने के बाद कान्हो पात्रा ने उनसे पूछा, क्या आप जिस भगवान का वर्णन करते हैं वह मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, हमारे विठोबा आपको जरूर स्वीकार करेंगे। यदि आप उन्हें एक बार देख लेंगे तो आप उनके ही हो जाएंगे। कान्हो पात्रा उनके साथ पंढरपुर के लिए रवाना हुई। कान्हो पात्रा राम कृष्ण हरि विट्ठल नाम का नारा लगाते हुए पंढरपुर आ गई। जब उसने मंदिर में भगवान विट्ठल को देखा तो वह खुद को पूरी तरह भूल गई और पंढरपुर में रहने लगी। कान्हो पात्रा विट्ठल के दर्शन करने के बाद प्रतिदिन महाद्वार के पास कीर्तन करने लगी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन एक आदमी ने यवनी सम्राट के पास कान्हो पात्रा के सौंदर्य का वर्णन किया। सम्राट ने उसे लाने के लिए दूत भेजे। सैनिक कान्हो पात्रा को ले जाने के लिए पंढरपुर आए और उन्होंने कान्हो पात्रा से कहा, सम्राट ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ आओ। यदि आप नहीं आते हैं तो हमें आपको बलपूर्वक ले जाना होगा। भयभीत कान्हो पात्रा बोली, रुको, मैं अपने विट्ठल के दर्शन लेकर आती हूँ। कान्हो पात्रा सीधे मंदिर गई और सिर झुकाकर विट्ठल का जप करने लगी। पांडुरंग मेरी रक्षा करो, तुम सबकी सहायता के लिए आते हो तो तुम मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आते? यदि यह सैनिक मुझे ले गया तो सबका तुम पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। कान्हो पात्रा विट्ठल पर यह कहते हुए चिल्लाने लगी कि
अब मेरा अंत मत देखो। ऐसा कह के कान्होपात्रा बेहोश हो गई और उसने विट्ठल के चरणों में रखे अपने सिर को ऊपर नहीं उठाया और उसने विट्ठल के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। जब मंदिर के पुजारियों ने यह देखा तो उन्होंने आनन-फानन में कान्होपात्रा को मंदिर परिसर के दक्षिण द्वार में दफना दिया। और क्या चमत्कार है कि तुरंत वहां एक पेड़ उगाया। विट्ठल मंदिर के परिसर में आज भी वह पेड़ कान्होपात्रा की याद दिलाता है। कान्होपात्रा को भगवान विट्ठल के मंदिर में समाधि लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विट्ठल के पास मंदिर क्षेत्र में महाराष्ट्र में केवल एक ही संत की समाधि है और वह संत कान्होपात्रा की है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी कहानियों को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।